कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर अवार्ड जो है, जो पुरस्कार जो है, वो एक इनाम होता है जो हम हार्ड वर्क करते हैं साल भर, उस चीज़ का एक इनाम होता है, एक अचीवमेंट होती है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. हर अवार्ड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आज ही एक और जगह से भी एक अवार्ड मिला मुझे और ये दूसरा अवार्ड पे मैं आई हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी कि दिन में दो अवार्ड मिल रहे हैं मुझे. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू ऑल, मेरे सारे फैंस को थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मैं आज इधर हूँ. बिग बॉस से निकलने के बाद किस तरह की जर्नी रही? काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों से. मैं जानना चाहूँगा अर्चना भी आ रही है यहाँ पे, उनसे मिलने के बाद क्या कुछ? मैं उनसे ना, अर्चना से हर रोज़ कहीं ना कहीं टकरा रही हूँ. कल हमारे शूट था बूट पे, वहाँ पे मुझे पता ही नहीं था वो भी है, तो हम टकरा गए. और मुझे ये लगता है कि चलो बिग बॉस के घर में ये सब तो होता ही रहता है, मन मुटाव, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बट इससे इससे आप नहीं डिसाइड कर सकते हो कि कौन आपके दोस्त है कौन आपके नहीं दोस्त है. और जिस तरीके से हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं हर अवार्ड में या हर जगह पे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें सिग्नल भेज रहे हैं कि दोस्ती कायम रखो. जी, हाल ही में एक न्यूज़ आया है, अब्दू ने कहा है कि अनसिस्टे मुझे नाराज है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जो सच्चे दोस्त होते हैं, ये एक शो था, गेम था, गेम के लिए बहुत चीज़ें बहुत लोगों ने किया है, बट ज़िंदगी में जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हर चीज़ में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे. वो मन मुटाव तो होता रहता है दोस्ती में, अगर आप किसी को दोस्त मानोगे तो ऑब्वियसली उसके साथ ही झगड़ा करोगे, लेकिन हमेशा ज़िंदगी में वो आपके पास एज अ पिलर, दैट पर्सन विल स्टैंड बिसाइड यू. और जो रिश्ते कमज़ोर होते हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं. सो अब्दू, वी लव यू ऑल, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, कीप स्माइलिंग. बात करें रियलिटी शो की, और कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे? लॉकअप भी आ रहा है, खतरों. मैं सारे रियलिटी शोज़ करना चाहती हूँ, मैं सारे शोज़ करना चाहती हूँ, मैं इतना काम करना चाहती हूँ, इतना काम करना चाहती हूँ कि मतलब क्या ही बताऊँ. काम करते करते जब तक मैं थक ना जाऊँ तब तक मैं काम करना चाहूँगी, और मैं सारे रियलिटी शोज़ में जाना चाहूँगी. इनफैक्ट आई लव डांसिंग, तो डांस रियलिटी शोज़ भी आ रहे हैं. सो आई वुड डेफिनेटली लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ डांस रियलिटी शो. आई लव एडवेंचर्स, तो एडवेंचरस शोज़ भी आ रहे हैं रियलिटी शो, तो I would love to do that as well. तो मुझे सारे शोज करने हैं. और बात करें ओटीटी की, तो काफ़ी समय ओटीटी बहुत चल रही है, कुछ मैं दो वेब सीरीज के लिए बात चल रही है, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, क्योंकि रोल पसंद आना, किरदार पसंद आना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दो वेब सीरीज के लिए बात चल रही है, और मुझे वेब सीरीज करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग होती है वेब सीरीज में. सो मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे ही लव और सपोर्ट करते रहिए. बाय.